हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और बैंक निफ्टी का सबसे पहले एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आ गया है। बैंक निफ्टी को एक्सपायरी कहीं ना कहीं निचले लेवल पे लेना था, जो कि हमारा व्यू था। एग्जैक्ट उसके अगेंस्ट अगर पोजिशनल व्यू देखा जाए तो अगेंस्ट था। इंट्राडे व्यू मैंने बोला था कि बाजार 21,900 के नीचे नहीं जाना चाहिए, और 2 बजे के बाद जो बाउंस आएगा 22,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ही तेज़ी करेंगे। तो अल्टीमेटली इंट्राडे व्यू को ज़रूर फॉलो करना है, टाइम को भी फॉलो करना है। टाइम अगर और प्राइस दोनों को मिक्स करके फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि टाइम आ गया तो आप तेज़ी कर लें। तो कहीं ना कहीं 2 बजे के बाद कि जो तेज़ी थी 22,000 के ऊपर नहीं आने के कारण हमने तेज़ी को अवॉइड किया, इसलिए मैंने कोई अपडेट कल के मार्केट में नहीं दिया। अगर मेरा व्यू तेज़ी का है और बाज़ार नीचे जा रहा है तो व्यू मैं अवॉइड करता हूँ, ट्रेडिंग भी अवॉइड करता हूँ। इस लर्निंग को लर्न करने की कोशिश कीजिए आप लोग, और इसीलिए मेरा व्यू होता है कि आप लोग मेरे चीज़ों को, मेरे स्टडी को और मेरे जो चीज़ें हैं उनको फॉलो करें। मैं क्या बोल रहा हूँ उसको फॉलो ना करके उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट स्टडी क्या है उसको ज़रूर फॉलो करना है। मींस मैं पोजिशनल अगर तेज़ी कर रहा हूँ और बाज़ार अगर लेवल को तोड़ करके, टाइम को तोड़ करके अगेंस्ट द व्यू चल रहा है, तो आपको नो ट्रेडिंग जोन में लेना चाहिए। और आप बहुत ही स्मार्ट ट्रेडर हैं तो आप अगेंस्ट द बिल्कुल ट्रेंड के साथ चल सकते हैं। टाइम के बेसिस पे अगर ब्रेक डाउन आ गया और मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो आपको कंपलसरी ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं लेना है। ट्रेंड अगर नीचे गए तो ट्रेंड के नीचे, वरना ट्रेंड अगर नीचे का जा रहा है, हमारा व्यू ऊपर का है, और तो उस केस में ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ये एक नंबर रूल है। अगर इस रूल को आप फॉलो करते हैं तो आप पैसा हमेशा बनाएंगे। तो ओवरऑल अब हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, और आज एक इंट्राडे बॉटम बना करके बाउंस जरूर करेगा, ये मेरा व्यू है। लेकिन जो लेवल है, लेवल को जरूर फॉलो करना है। लेवल जो है हमारा है आज के लिए 21,400, 21,500 एक मेजर सपोर्ट होगा। और इसके आसपास से बॉटम बना करके रिवर्स करता है तो एक तेज़ी आ सकती है। बॉटम बनाने का जो टाइमिंग है, कहीं ना कहीं 12 बजे और 2 बजे के बीच में। लेकिन सेम थिंग, 2 बजे के बाद अगर बाउंस आता है तो ही हम तेज़ी करेंगे। बैंक निफ्टी के वनस्पत आज निफ्टी में सुबह फर्स्ट हाफ में बॉटम बनना चाहिए एज फर टाइम साइकिल रूल के अकॉर्डिंग, और जिस तरीके से गिरावट हुआ है उसके बेसिस पे। तो उस कारण से अगर बैंक निफ्टी निचले लेवल पे मिलता है तो एक बाउंस देखा जा सकता है, लेकिन फिर से करेक्शन भी देखे जाएंगे। तो आज जो रेंज होगा बैंक निफ्टी का 21,400 से लेकर के 21,800 के रेंज में, 21,800 के रेंज में एक रेंज हो सकता है। तो ये मेरा व्यू है बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी से ज़्यादा अच्छा निफ्टी है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी में जो नीचे की तरफ सपोर्ट है 11,046, 11,030, 11,030 और 40-50 के बीच में बॉटम बना करके जैसे ही ऊपर चलेगा, 90 के ऊपर क्रॉस करेगा तो एक अच्छा वाला तेज़ी आएगा, जिसका टारगेट 11,140, 11,190 एक अच्छा खासा ब्रेकआउट लेवल होगा, जो कि मंडे और ट्यूसडे। याद रखिए, जो मेरा व्यू था यहाँ पे मैं अपडेट करना चाहूँगा आप लोगों को। मार्केट में फर्स्ट वीक में मंदी की जो मैं बातें कर रहा था, ये तेज़ी अब यहाँ से नीचे आज बॉटम बना करके और आज सिग्नल दे देगा, सिग्नल दे देगा। उसके लिए सिग्नल का लेवल होगा 140 के ऊपर की क्लोजिंग, और अगर स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा तो 190 के ऊपर की क्लोजिंग। ये दो लेवल ऐसे होंगे जो कि ब्रेकआउट होंगे, और मंडे और ट्यूसडे को बाज़ार ऊपर रहेगा और वेडनेसडे से लेकर के फ्राइडे तक बाज़ार नीचे रहेगा, और उस 3 दिन में एक बड़ी गिरावट होगी। तो बाज़ार फिर से रीटेस्ट करेगा 300 के ऊपर के लेवल को, जो कि मेरा व्यू भी था कि जब 240 के ऊपर चलना शुरू करेगा, लोगों को ब्रेकआउट दिखेगा, वहीं से बाजार फंसाएगा। तो व्यू एग्जैक्ट मैच किया। और निफ्टी को ज़्यादा ट्रेंड, निफ्टी को ज़्यादा फॉलो करना चाहिए, इसीलिए बेसिकली मैं निफ्टी पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। बैंक निफ्टी एक दो स्टॉकों के कारण आपके स्टडी को, आपको लर्निंग को सारा उल्टा पुल्टा कर देता है, इसलिए निफ्टी को फॉलो कीजिए, उसके साथ
बैंक निफ्टी को भी ट्रेड कीजिए। तो ये इम्पोर्टेंट निफ्टी के लिए आज व्यू है मेरा 11,030 11,040 के बीच में बॉटम फिशिंग जिसको करना है कर सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 10,930 विद टारगेट पोजिशनल टारगेट मंगलवार तक का टारगेट जो होगा 11,360 का भी आने के चांसेस हो सकते हैं। नीचे स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, दो कम से कम 300 पॉइंट मिनिमम 200 पॉइंट और मैक्सिमम 300 पॉइंट की रैली यहां से आएगी, उसके बाद बाजार गिरेगा। तो ये रहा एनालिसिस फॉर द निफ्टी। निफ्टी का जो व्यू है टाइम वाइज, फर्स्ट 9:45 तक बॉटम बना करके रिवर्स करेगा, 2 बजे तक तेजी रहेगा, बीच में 11 बजे तक तेजी रहेगा, उसके बाद एक छोटा सा डीप आएगा फिर से चलेगा, तो उस डीप को अपॉर्चुनिटी पकड़ के फिर से हम तेजी करेंगे, 2 बजे तक फाइनल तेजी हो जाएगी, उसके बाद रेंज बाउंड होगा और 2 बजे के बाद कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी पे फोकस हो जाएगा। मीन्स कि ओवरऑल बाई ऑन डीप स्ट्रेटजी यूज करना है एज फॉर प्राइस एंड टाइम वाइज एनालिसिस। तो ये रहा एनालिसिस फॉर द निफ्टी बैंक निफ्टी। और एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जो लोग 1999 के जो व्यूअर हैं मेरे, उनके लिए मैं वेबसाइट पे लॉगिन फ्री करने वाला हूँ और नेक्स्ट वीक से फिफ्थ अगस्त तक मैं आप लोगों को एक टूल्स देने वाला हूँ जिस पे बहुत सारी फैसिलिटी होगी, उसके ट्रेनिंग वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, तो यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक जानने के लिए सेकेंड वीडियो में मैं कोशिश करूँगा या लाइव आकर के शेयर करूँगा। तो जो भी मेरा व्यू है एजुकेशनल लर्निंग पर्पज़ से, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। ओके बाय।